बड़ी शरारत की जा रही है। ये सानू पता कि उन्हें शरारत कोई ना कोई करनी है। मौके दी सरकार करया कर दी ने इस तरह कि इस अंदोलन खिलार दईए कमजोर कर दईए। पुलिस के उ करेंगे असं वो तो पता करा पड़ताल में तुम्हें की जाँच की है, फिर वो क्लीयर पता लगेगा कि वह पिछोकड़ की है। बीजेपी की जी लीडरशिप आदि मानसिकता जी अभी समझते हैं वो मानसिक पक्षों कमजोर हो गए हैं, मानसिक पक्षों खराब हो गए हैं। उन्होंने मैंटली हॉस्पिटल जाने की लड़ है। उन्होंने दीदे नहीं भी है किसान ने, उन्होंने दीदे नहीं भी मध्य प्रदेश तो आ गए किसान बैठे ने, यूपी तो बैठे ने। पुठियां सीधियां गल्लां करते हैं, दलाल तो वो आप मन गए ने भी डब्ल्यू टी ओ दे दबा हेठ हैं, यदा मतलब वो दलाली च ने। जिन्ना कि सत्ता का आनंद मानना सी ना वह इन्हें चौंक साल हूँ मान लवे, तो जो आने वाला समा आऊगा ना इन चलता कर देंगे पूरी दी पूरे। बीजेपी इस गल प्रण कर लवे भाई, ये समझ लवे पूरी दियाँ पूरी जथेबंदियां पूरे संयुक्त मोर्चे दियाँ सारिया स्टेटा वाले उत्थे जाके पड़ाव ला लिया करांगे और बैठ के असी इन्हां दे खिलाफ रैलियां करिया करांगे। किसानी अंदोलन का अज 26वां दिन शुरू हो चुका है। 26 दिनों तो कुंडली बॉर्डर सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर के किसान अंदोलन जिहड़ा लगातार भखदा जा रहा। किसानों के वलों हुण किसान जथेबंदी वलों फैसला किया है कि किसान अंदोलन जिहड़ा होर भी तिखा किया जाऊगा ता जो केंद्र सरकार दे कन्नी जूं सरक सके। हुण जिथे जिथे किसान अंदोलन वध रहा है उत्थे उत्थे इस अंदोलन नूं ढाल लाउण दीआं कोशिशां भी कीतीआं जा रहीआं, साजिशां रचीआं जा रहीआं ने। साडे नाल गल्लबात करन दे लई मनजीत सिंह राय मौजूद ने, भारतीय किसान यूनियन दुआबा के प्रधान। मनजीत सिंह जी, जिमें ही किसान अंदोलन भखदा जा रहा मगदा जा रहा उवें ही इनू संघर्ष में ढाल लाने दी कोशिशां भी कीतियां जा रही ने। जिमें कल बीती रात देखिया एक बंदा फड़िया सी जिहड़ा मोदी दे जिंदाबाद दे नारे ला रहा सी। देखो इत्थे बड़ी शरारत की जा रही है, ये सानू पता कि उन्हें शरारत कोई ना कोई करनी है। मौके दी सरकार करया कर दी ने इस तरह कि इस अंदोलन खिलार दईए कमजोर कर दईए, पर साड़ी क्योंकि वलंटियर टीम असी बनाई हुई है बड़ी पैनी नज़र है। हर पदे असी बड़ा पूरा घोख के जाँचते हैं, जिमें हम स्टेज तो भी अनाउंस किया, मैं मीडिया कर्मी वीर भी बेनती की साडा यही एजेंडा है। असी मीडिया का बहुत धन्यवाद करते हैं पर यह एजेंडा कि इतने कोई शरारती ना आवड़े बिच, इस करके असी उस गल का बड़ा ध्यान रखीदा कि भाई इतने कोई इदा की हरकत ना कर सके। रात वो बंदा फड़िया सी जिदे को कई आइडिया निकलिया तो वो इस करके भी वो शक के दायरे से, पर कोई गल नहीं असी वो जरा उस वेले प्रशासन को क्योंकि प्रशासन लोकल जरा वो सा बड़ी कोऑपरेशन कर रहा, असी उन्होंने बुला लिया तो उन्होंने सपुरद कर दिता है। हूँ वो देखे अगली कार्रवाई की करनी है, पर असी अपने वालों पूरी जाँच करते हैं। वैसे बंदा है कौन सी, कितों का सी, की नाम सी उहदा ते की करना चाहुंदा सी? देखो वो एक नाम नहीं सी, उन्हें कई आइडिया बनाई हुई सी, इस करके बखरे बखरे नामों से आइडिया से, वो तो क्लीयर नहीं हो सकिया भी ये बंदा क्लीयर हैगा कितने का। इस करके हुण पुलिस के उत्ते घोख करेंगे असी वो तो पता करा पड़ताल में तुम्हें की जाँच की है, फिर वो क्लीयर पता लगेगा भी वह पिछोकड़ की है। इस करके रात क्योंकि नौजवान बड़े तलखी च होंगे ने भाई ज़्यादा कुछ सट चोट ना ला दे, इस करके उन्होंने भेज दिता। एक खेतीबाड़ी मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह जिहड़े ने बिहार के, उन्होंने वालों एक बयान आया कि जिहड़े ये अंदोलन है ये जिहड़े दलाल ने जिहड़े किसानों ने एक तरह उन्होंने सीधे तौर पर दलाल कहा कि जिहड़े दलाल ने ये किसान नहीं। देखो ये बीजेपी की जी लीडरशिप आदि मानसिकता जी अभी समझते हैं वो मानसिक पक्षों कमजोर हो गए हैं, मानसिक पक्षों खराब हो गए हैं। उन्होंने मैंटली हॉस्पिटल जाने की लड़ है। उन्होंने दीदे नहीं भी है किसान ने, उन्होंने दीदे नहीं भी मध्य प्रदेश तो आ गए किसान बैठे ने, यूपी तो बैठे ने और हरियाणे तो बैठे ने, तो वह पुठियां सीधियां गल्लां करते हैं। दलाल तो वो आप मन गए ने भी डब्ल्यू टी ओ दे दबा हेठ हैं, यदा मतलब वो दलाली च ने, वो मन गए ने इस गल्लों पे। जिदन पहला अडानी की ट्रेन रोकी आ उन्हें बाकी ट्रेना रोकती, वो अडानी दे वानी दे दलाल ने। बीजेपी की पूरी टीम दलालों की तो भरी हुई है, पूरे दे पूरे बीजेपी की टीम दलालों की है। इस क्योंकि एक कहावत है साढ़े भी जिहड़ा संत महापुरश है उन्होंने सारे संत नज़र आते हैं, रब्बी रूह नज़र आती है, तो जेड़े चोर होवे उन्होंने अपने वर्गे सारे चोर ठग नज़र आते हैं।
इस करके ये खुद दलाल ने इन्हों के खून च दलाली है इन्हों इस करके बाकी भी दलाल नज़र आते हैं। ये क्लीयर कट है कि बीजेपी वाले खुद दलाल ने बाकियों भी दलाल ही समझते हैं। इस करके उन्होंने बयान जोड़ा हसोहीना नहीं क्योंकि वह खुद खुद दलाल ने। एक भाजपा विधायक जो लीला राम ने उन्होंने वालों टिप्पणी की गई है कि जोड़े इतने बैठे ने यह अंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वास्ते बैठे ने। नहीं सानू विखाउण तां साडी स्टेज तो कदों खालिस्तान का नारा बजा झूठ की को हद हुंदी है। इन्हां दा प्रधानमंत्री भी झूठा तो इन्हां दी पूरी टीम भी झूठी। बीजेपी का झूठ का पांडवा बीजेपी जिन्हों कह दईए ये लोगों को हौली हौली पता लग रहा तो कोई गल नहीं। ये कहिंदे हुंदे आ एक बारी जिहड़ा पाप है वह बड़ा उपर जांदा वधदा पाप का वाधा हुंदा पर जदों जांदा फिर डिगदा वह सीधा नरकां जांदा तो हुण इन्हां दी वारी नरक वाली है। ये नरेंद्र मोदी नरक वल जाएगा क्योंकि जिन्ना कि इन्हें सत्ता का आनंद मानना चौंक साल मान लवे तो जो आने वाला समा आऊगा ना इन चलता कर देंगे पूरी की पूरी बीजेपी इस गल प्रण कर लवे भाई ये समझ लवे ये गल साड़ी पल्ले बन लवे कि यह दोबारा किसी स्टेट भी इन्हों की सरकार नहीं बन देंगे। जिहड़ी स्टेट इलैक्शन होया करूगी आ पूरी दियां पूरी जथेबंदियां पूरे संयुक्त मोर्चे दियां सारियां स्टेटां वाले उत्थे जाके पड़ाव ला लिया करांगे और बैठ के असी इन्हां दे खिलाफ रैलियां करिया करांगे भई बचाओ भाई बीजेपी तो बीजेपी भजाओ तो देश बचाओ ये क्या करांगे। एक जिवें बीते दिन रकाबगंज साहब विखे मोदी जी नतमस्तक होए सी ते हुण कह रहे ने 25 तरीक नूं जिहड़े उह संबोधन करनगे किसानां नूं की लगदा कि हुण जिहड़ा उहनां दा अंदरूनी जिहड़ा है बाहर आ रहा गवार आ रहा बाहर कि जिवें एक शायद उह सोचदे होणगे भुल होई आ मेरे तों भुल बखसवाण दे खातर नतमस्तक होए होणगे ते हुण उहनां नूं समझ लग गई कि आखिर किसान जिहड़े इह कानून बनाए गए ने कि किसान तां हुण जित्ते अड़े होए ने हुण वापस नहीं जाण लगे कि हुण सानूं ही झुकणा पऊगा। देखो गुरु ग्रंथ साहब सरबंस नूं उह तां माफ़ी देंदे ने अपने कलावे च लेंदे ने और वह बड़े बड़े दोषियों नूं माफ़ कर देंदे ने। मैं कहना कि जे वह गए ने तो वह माफ़ी भी मंगण तो आ जिहड़े बजुर्ग इत्थे बैठे ने मैं उस वाहिगुरु अगे अरदास करदा कि नरेंद्र मोदी नूं सदबुद्धि दिओ ये मेरे मालक वाहिगुरु इहनूं सदबुद्धि दिओ ये अपनी अड़ी छड़ देवे आ सारे काले कानून वापस लवे तो इन्हां नूं सुखी सांदी घरे भेजे। ये मालक अगे जे वह गया तो चंगी गल है मैं तो कहूँगा उन्हूं रोज़ जाना चाहिए नितनेम जाना चाहिए और जाके मालक कोल बैठे और उन्हूं पता लग जाओ जो गुरु साहब की गोच जाके बहिंदे गुरु ग्रंथ साहब के तो मन को कितनी शांति मिलती है जिहड़ी उन्हां च भड़काहट है जिहड़ी उन्हां च जिद है महाराज आप ही कढ़ दो। इस करके वो चंगी गल है गए ने पर फिर भी असीं कहिंदे आ कि वाहिगुरु इन्हां नूं सदबुद्धि दिओ। एक पंजाबी जड़े सूफी कलाकार हंसराज हंस गीतां दे विच दा उह पंजाब दीआं गल्लां करदे ने पंजाब दा सभ्याचार बनाउण दीआं गल्लां करदे ने बचाउण दीआं गल्लां करदे ने हमेशा ही सभ्याचार दे गीत गाए ने बड़े सारे ही बहुत पसंद करदे सी पर हुण भाजपा दा पल्ला छड्डण तों बाद उह हुण कह रहे ने सारे किसान कह रहे ने देश कह रहा कि इह कानून ने जिहड़े गलत ने पर उह एक चिट्ठी जिहड़ी आई आ नरेंद्र तोमर वल्लों उह जाके दिल्ली दे पिंडां दे विच जाके जिहड़े ने समझाउण लगे ने लोकां नूं कि जिहड़ी चिट्ठी है इह आ कानून ने तुहाडे फायदेमंद ने। दरअसल मैं कहूँगा कि हंसराज हंस की बड़ी लोग इज्जत करते बड़ी उसकी रिस्पैक्ट सी क्योंकि सूफी कलाकार सी पंजाब ने उन्हें चक के आसमान ते चढ़ाया क्योंकि पंजाबी कलाकार सीगा पर वह कह दियो कि किरत कण जिन्हों कह दईए उहदे उहदी गैरत अणख मर चुकी अणख नां दी चीज़ नहीं तो जिहदी अणख मर जाए वह इंसान मरिया के काबल हुंदा तो वह मरिया हुआ इंसान चर्चा करता करी जाए पर मैं उन्हें एक गल कहांगा वह मेरे वीर थोड़ा जिहा तां नमक खादा हलाली कर ला पंजाब दे नाल ते तू भाई पंजाबी होण करके मैं तां पंजाब नाल कह रहा लड़ाई समुचे भारत दे किसान दी आ पर वह पंजाबी होण करके कि पंजाब नाल थोड़ी नमक हलाली कर लै तू लोगों उल्टी मत ना दे जिदा तेरे आका कहिंदे आ तैनूं अज कुर्सी प्यारी हो गई वह कमलिया वह अकाल पुरख ने जदों लठ गजाउणी तेरे ते ना कुर्सी रहनी ना तेरी ताकत रहनी तो फिर कितना कि पछताएगा भी मैं उन्हां गरीब किसानां दे लठ चलाउंदा सी ये लट्ठे चलाउण हुंदी है जदों किसी के विरोध खड़ जाना। इस करके मैं उन्हें अपील करूँगा मालक नूं भी कहांगा ये वाहिगुरु इहनूं सदबुद्धि दे उन्हें अपील करूँगा भी तेरा फर्ज तो यह बनता है भी ये जिहड़ा एम पी दी पोस्ट है इहनूं त्याग के आ के बिच बैठ किसानां दे तेरी
समझदारी होगी, लोग तेन हथी छावा कर गए। तो जे भाई तेरे कर्मा च सारी उम्र गाला लिखिया फिर करी चल जिदा तेरे आका कहेंदे आ, तो सानू किसानों ने कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई गल नहीं, उन्हें कर दियो जो करना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। सो ये भारतीय किसान यूनियन दुआबा के प्रधान मनजीत सिंह राय जिन्हां दे वल्लों साफ तौर पर जिहड़े अज्ज विधायकां दे वल्लों भाजपा आगुआं दे वल्लों जिहड़ी टिप्पणी की गई आ उन्हां दा जिहड़ा इन्हां ने मूँह तोड़वां जवाब दिता, ते नाल ही इन्हां ने कहा कि हुण तां जिहड़ी लड़ाई आ उह हार दी नहीं बल्कि पार दी बण के रह गई आ, ते उदों तक नहीं जावांगे जदों तक इह खेती कानून रद्द नहीं हुंदे। देखदे रहो डी फाइव चैनल, बने रहो डी फाइव चैनल पंजाबी दे नाल। डी फाइव चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।